हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन शुभम्स कुक बुक। और जैसा कि हम सब जानते हैं, सर्दियों का मौसम आ गया है और सर्दियों का मौसम जो होता है बहुत सारे सीजनल फ्रूट्स लेके आता है और उसमें से एक फल है अनार, यानी कि पोमोग्रेनेट। और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन हमें से बहुत सारे लोग इसको डीसीड करने की वजह से, यानी कि इसका छिलका हटा के इसके जो बीज होते हैं जो हम खाते हैं वो निकालने में इतना झंझट होता है कि उस वजह से घर पर नहीं लेके आते। तो आज मैं आपको एक इतनी आसान सी ट्रिक और टेक्निक इसको डीसीड करने के लिए बताने वाली हूँ कि आप 30-40 सेकेंड में एक अनार को छील लेंगे और मैक्सिमम एक मिनट से ज़्यादा तो आपको लग ही नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो टेक्निक जिससे आप बहुत ही इजीली अनार को डीसीड कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो उसके लिए एक लेना है आपको अनार और उसे इस तरह से आप अपने हाथ में होल्ड करिए और उसका जो ये ऊपर वाला पार्ट है उसको एक चाकू की नोक से इस तरह से स्कूप करके निकालिए। अनार जो होता है वो अंदर से 4 या 5 सेक्शंस में एक पतली सी मेम्ब्रेन के सहारे डिवाइडेड होता है और जब ये टॉप का पोर्शन निकल जाएगा तो हमको इसके सेक्शंस दिखाई देने लगेंगे और एग्जैक्टली हमको जहाँ जहाँ से इसके सेक्शंस डिवाइड हैं वहीं से हमको इस अनार के छिलके को काटना है। इस तरीके से देखिए, आपको अब दिखाई देने लगेगा कि कहाँ से इसके सेक्शंस अंदर से डिवाइडेड हैं। और देखिए, यहाँ से ये दिख रहा है कि पहला सेक्शन दिखने लगा, यहाँ से डिवाइडेड है। तो यहाँ से इस तरीके से इसको छिलके को काटिए कि अंदर तक वो बीच तक चाकू ना पहुँचे, बस छिलका कट जाए और हम छिलके को फिर अलग कर लेंगे। इस तरह से इसके सारे सेक्शंस के पास से छिलके को काट लेंगे और उसके बाद ये देख रहे हैं आप 4 सेक्शंस में डिवाइड हो गया और उसके बाद दोनों अंगूठों से इस तरीके से इस पर प्रेशर डालते हुए इस तरह से अलग कर लेंगे। और उसके बाद ये जो आप इसकी झिल्लियाँ देख रहे हैं इसको हटा दीजिए इस तरीके से। और उसके बाद जैसे ये झिल्लियाँ जो हैं, ये इसके अंदर की जो मेम्ब्रेन है ये निकल आएगी, उसके बाद इसके बीज बड़ी ही आसानी से निकल आएंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने अलग कर लिया। अब इसको अपसाइड डाउन इस तरीके से कर लेंगे, खुले हुए पार्ट को नीचे कर देंगे और एक स्पून लेंगे, थोड़ा बड़ा स्पून लेंगे और उसके बाद इस तरीके से हर तरफ से हल्के हल्के डैप टैप करना शुरू करेंगे जिससे कि जो हल्के वाले बीज हैं वो निकल आएंगे। और उसके बाद इसके छिलकों को इस तरीके से उल्टा करेंगे जिससे कि इसकी जो पकड़ है बीज और पत्तों की एक साथ वो कमज़ोर हो जाएगी और बहुत ही आसानी से आप हाथ से इस तरीके से सारे अनार के बीज को निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो प्रोसेस मैंने बताया है उसको स्टेप वाइज फॉलो करिए। सबसे पहले इसके टॉप पार्ट को स्कूप करके निकालिए, फिर अनार को सेक्शन वाइज डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद इसको अपसाइड डाउन करके किसी स्पून या स्पैचुला से हल्के हाथों से मारिए, उसके बाद फिर जो बाकी के बीज बचे रह जाएंगे उसके लिए इसके छिलकों को उल्टा कर दीजिए और उसके बाद हाथ से आसानी से सारे अनार के दाने निकल आएंगे। और उसके बाद ये जो इसमें थोड़े बहुत ये अनार के अंदर की झिल्लियाँ जो आ गई हैं इसको हटाने के लिए इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दीजिए और उसके बाद इस पानी को निकाल दीजिए। इसकी जो झिल्लियाँ हैं और इवन जो ख़राब दाने रहेंगे वो सब ऊपर से निकल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को ढेर सारा थैंक यू। बाय बाय।